रात के 2 बजे मानसी के साथ क्या हुआ? 25 साल की मानसी जो घर में अकेली थी, वह बेचैन अवस्था में इधर उधर घूम रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था जो इस बात का सबूत दे रहा था कि वह किसी की कॉल लगा रही है, लेकिन सामने से सिर्फ रिंगटोन की आवाज़ सुनाई दे रही है थी। जैसे ही 2:30 बजे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, मानसी ने दरवाजा खोला कि किसी ने काट डाला। मानसी चिल्लाते हुए गिर पड़ी। रात के 12 बज रहे थे। मानसी घर में अकेली टहल रही थी। वह बार बार खिड़की से झांक रही थी। ऐसा लग रहा था थामने जैसे कि किसी का इंतजार कर रही हो। उनकी निगाहें बार बार घड़ी पर जा रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था और मानसी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह कुछ ऐसा है जो छिपा रही है। हड़बड़ाते हुए मानसी ने डाइनिंग टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाया और किसी का नंबर डायल करने लगी। घंटी बज रही थी लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। उसने गुस्से से मोबाइल सोफे पर पटका दिया। फिर से उनकी निगाह घड़ी की ओर गई। अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मानसी भागती हुई दरवाजे के पास आई। जैसे ही मानसी ने दरवाजा खोला कि किसी ने मानसी का धड़ शरीर से अलग कर दिया। वह दर्दनाक तरीके से चिल्लाती हुई खून अवस्था में नीचे गिरी पड़ी थी पड़ी। कुछ समय सुबह का समय एक लंबा चौड़ा आदमी कंधे पर थैला लटकाए मानसी के घर की डरबेल बजाया जा रहा था। भीतर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उस आदमी ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। फिर कोई जवाब न मिला। उसके बगल में एक और घर था जहां से एक महिला निकली। उसने उस आदमी को दरवाजा पीटते हुए देखा और फिर तेज आवाज से पूछा, गिरीश भाई क्या बात है, आज आप दरवाजा पीट रहे हैं? उस आदमी यानी गिरीश ने मुड़कर देखा और बोला, भाभी मैं लखनऊ गया था, अभी लौटा हूँ। भाभी क्या आप जानती हैं मानसी कहाँ गई? उस महिला ने उत्तर देते हुए बोला, माफ करना लेकिन मैंने उन्हें घर से बाहर जाते हुए हुए देखा नहीं है, शायद घर में ही होगी। ठीक है मैं देखता हूँ। ग्रीस वापस डरबेल बजाने लगा और वो महिला अपने घर के अंदर चली गई। वह आदमी जो अपने आप को ग्रीस बोल रहा था वह शायद मानसी का पति होगा। मानसी क्या तुम सुन रही हो? मानसी 2-3 बार आवाज लगाने पर भी कोई जवाब नहीं आया। ग्रीस ने मानसी को फोन लगाना चाहा लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आता है। करीब आधे घंटे से ग्रीस अपने ही घर के बाहर खड़ा था। अंततः थक हार कर उसने दरवाजा तोड़ डाला। अंदर प्रवेश करते ही उसने खून की पट्टी देखी जो उसे आगे कुछ ऐसा दिखने वाली थी जिसे देखकर ग्रीस के होश उड़ गए थे। तुम कहाँ हो? जैसे ही ग्रीस ने बाई ओर खिड़की के पास देखा तो मानसी का धड़ खूनी अवस्था में पड़ा था। ठीक उसके सामने मानसी का सिर गिरा पड़ा था। ग्रीस हड़बड़ा झुड़लाते हुए चीख उठा। मानसी कुछ ही देर में पुलिस की टीम ग्रीस के घर पहुंच गई। आसपास के लोग ग्रीस के घर में मौजूद थे। इंस्पेक्टर ने मानसी की लाश देखी और फिर अपनी टीम को मानसी के घर की तलाशी लेने की सूचना दी। उस भीड़ में खड़े ग्रीस को रोता देख इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम्हारी पहचान? आज सुबह ही आया हूँ, आकर देखा तो मैंने सिसकते हुए फिर रोने लगा। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की लेकिन किसी ने भी मानसी को ना तो आते जाते देखा और ना ही किसी को उसके घर आते देखा। मानसी को इस तरह बेरहमी से कौन मार सकता है? पुलिस उनकी लाश को देखते हुए सोच रही थी। पुलिस टीम से घर की तलाशी लेने के बाद बताया, सर चोरी का मामला नहीं है, पैसे जेवरात सब अलमारी में हैं और ना ही प्रॉपर्टी का मामला है, उनके कागजात भी सेफ हैं। चोरी का मामला नहीं है तो खूनी का क्या सोच कर आया होगा? उनका मकसद क्या हो सकता है? अभी मानसी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, रिपोर्ट आने से पता चलेगा।